नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। HCS एग्ज़ाम 2018 के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हमने 7 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, हमारी 7 क्लासेज हो चुकी हैं, तो वो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासेज के लिंक्स शेयर कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप वो सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए। आज के हमारे लेसन में है वो हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मिलेगा, तो वहाँ जाके आप सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें आप टारगेट विद गोस्वामी नाम से सर्च करेंगे तो एक आपको चैनल दिखेगा जिसमें लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो वहाँ जाके आप उससे जुड़ जाइए, ताकि हर वीडियो का जो PDF फाइल है मैं वहाँ शेयर करता हूँ। और एक और अच्छा बेनिफिट ये है कि जितने भी आज तक मैंने उस पर नोट्स शेयर किए हैं वो आपको वहीं उपलब्ध हो जाएंगे। प्रीवियस सारे के सारे पोस्ट आपको मिलेंगे, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा करंट अफेयर। नाबार्ड ने हरियाणा में जल परियोजना हेतु कितनी राशि दी है? तो नाबार्ड है जो, उसने हरियाणा में जल परियोजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो ये 772 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 772 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके साथ साथ नाबार्ड का जो अध्यक्ष है वो हर्ष कुमार भनवाला है, इसका भी आप ध्यान रखिए। हरियाणा प्रदेश में किस जेल में पहली मॉडल गौशाला खोली जाएगी? तो जेल की बात कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो जेल में गौशाला का निर्माण है वो कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर होगा? करनाल में। करनाल जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, जिसमें राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस कर्मियों के हित में कल्याणकारी योजनाएं। तो हरियाणा पुलिस और HDFC बैंक है जो, उनके बीच में कुछ कल्याणकारी योजना से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। तो पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली राशि, स्थायी विकलांगता के लिए 30 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 5 लाख रुपये तक का इसमें इस योजना के अंदर प्रावधान है। दोबारा से देख लीजिए आप, कितना? 30 लाख रुपए स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता है उसमें 5 लाख। तो ये HDFC और हरियाणा पुलिस के बीच में ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट देखिए STF। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि STF क्या है, स्पेशल टास्क फोर्स। तो स्पेशल टास्क फोर्स में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर जो राशि दी जाती है वो कितनी है? 50 लाख रुपए। स्पेशल टास्क फोर्स में यदि सेवा के दौरान कोई शहीद हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा प्रदेश में हैफर्ड है जो, हैफर्ड कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। तो हैफर्ड का जो कोल्ड स्टोर है वो घरोंडा आपने सुना होगा, करनाल में है। तो वहाँ पर क्या है, हैफर्ड का एक कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। आगे देखिए, हैफर्ड का चेयरमैन है हरियाणा में हरविंदर कल्याण क्या है, हैफर्ड का चेयरमैन है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, प्राइड ऑफ पंचकुला बुक का विमोचन किसने किया है? प्राइड ऑफ पंचकुला बुक का विमोचन जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़, जो मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन डेयरी मिनिस्टर भी हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उन्होंने प्राइड ऑफ पंचकुला बुक का विमोचन किया है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है हरियाणा में पंचकुला। नेक्स्ट देखिए, अवैध विदेशियों की पहचान हेतु किसका गठन किया गया है? तो अवैध विदेशियों की पहचान के लिए एक NRC का गठन किया गया है, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का इसलिए गठन किया गया है ताकि जो अवैध विदेशी हैं जो एंट्री करते हैं उनको
उसकी उनकी पहचान की जाए, उनको पकड़ा जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का दूसरा फुटवियर पार्क कहाँ बनेगा? तो हरियाणा का जो दूसरा फुटवियर पार्क है वो सोनीपत खरखोदा में इसका निर्माण किया जाएगा। फर्स्ट जो पहला है वो बहादुरगढ़ में है 400 फुटवियर, और जो ये वाला है वो 600 फुटवियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़कों को गड्ढा युक्त गड्ढा से मुक्त करने हेतु अभियान चलाया गया है। जो जिन सड़कों में गड्ढे हैं उनको गड्ढे से मुक्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो हरपाथ नाम है उसका, हरपाथ, ठीक है, हरपाथ नाम से एक ऐप जारी की गई है। नेक्स्ट देखिए, मुर्रा रिसर्च, मुर्रा हरियाणा में एक मुर्रा नस्ल भैंस है जिसको काला सोना कहा जाता है। तो मुर्रा रिसर्च और कौशल विकास केंद्र केंद्र बना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हिसार में गांव है खांडाखेड़ी, खांडाखेड़ी गांव में इस मुर्रा रिसर्च और कौशल विकास केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो ये कुरुक्षेत्र में बनेगी। कहाँ बनेगी? कुरुक्षेत्र, जिसको धर्मनगरी कहते हैं। कौरवों पर जो पांडवों ने जीत की तो धर्म की जीत के कारण इसको धर्मनगरी बोला जाता है। 360 धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये कैथल में इसका निर्माण होगा, महर्षि वाल्मीकि के नाम से। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कहाँ बनेगा? कैथल में। नेक्स्ट देखिए, आर्ट एंड कल्चर विभाग का मंत्रालय किससे छीनकर किसे दे दिया है? तो आर्ट एंड कल्चर जो विभाग है वो पहले जो सामाजिक महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन थी उनके पास था, और उनसे लेकर है वो रामविलास शर्मा जो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई उड़ान हिसार की नई पहचान। तो नई उड़ान हिसार की नई पहचान, स्थापना 15 अगस्त 2018, और मुख्य अतिथि हैं वो मनोहर लाल खट्टर CM, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा में जो नागरिक हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं? 5 हैं। प्रदेश के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो प्रदेश के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री की बात हो रही है? तो गन्नौर में बनाई जाएगी। गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में। और जो रेल प्रयोगशाला है हरियाणा में वो कहाँ है? जगाधरी में, जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना हरियाणा के कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो आयुष्मान भारत योजना हरियाणा के 22 के 22 जिलों में की जाएगी। इसके तहत 5 लाख का बीमा होगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो 22 जिले हरियाणा में 22 के 22 जिलों में लागू होगी। नेक्स्ट है गांव की पंचायत का अध्ययन हेतु बांग्लादेश का जो मंत्रिमंडल कहाँ आया था? तो गांव की पंचायत का अध्ययन हेतु बांग्लादेश का मंत्रिमंडल काहनौर गांव है रोहतक में, तो वहां पर आया था सॉरी। केरल के बाढ़ पीड़ितों हेतु हरियाणा सरकार ने कितनी राशि दी है? तो हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। किनको? केरल बाढ़ पीड़ितों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2018 को कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो 1169 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कुल राशि है वो 36 करोड़ है। खेल मंत्री अनिल विज और जो कॉमनवेल्थ गेम है उसके 22 प्लेयर इसमें शामिल किए गए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 15 अगस्त 2018 कितने खिलाड़ियों को? 1169 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। जो टोटल राशि है वो 36 करोड़ है और हमारे खेल मंत्री अनिल विज हैं और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी इसमें 22 खिलाड़ी शामिल किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नशे को खत्म करने हेतु कितने राज्य आगे आए हैं? तो अभी तक 7 राज्य नशे को खत्म करने के लिए आगे आए हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मुख्यालय है इनका कहाँ बने? पंचकूला में, एक वार रूम के रूप में बनाया जाएगा जो नशे खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट ने डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि किसको दी है?
दलबीर सुहाग जो आर्मी चीफ थे हमारे, पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सुहाग, झज्जर बिसान गांव है इनका, पूर्व सेना अध्यक्ष। तो इनको यूनाइटेड स्टेट ने डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि दी। तो आज के हमारे करंट अफेयर सेशन में इतना ही। तो अब मैं आपको ऑनलाइन बैच के बारे में बता रहा था, तो जो ऑनलाइन बैच पहले भी मैंने वीडियोस में बताया आपको, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन करें, इसका बहुत बेनिफिट होगा। आप जो मैं जितने नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा यदि वो कर लेते हैं तो आपको प्री कोई नहीं रोक सकता। तो 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, सुपर 30 डेज बैच है ये, HCA 2018 प्री के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF के रूप में मिलेगा, और जो यूट्यूब की जो वीडियोज हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी। तो 1 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।